जिला कुल्लू की बंजार घाटी प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसी है। इस घाटी में बसा है एक छोटा सा गांव जीपी, विदेशी और बाहरी राज्यों के पर्यटकों को आकर्षित करता है। सैलानियों से हमेशा गुलजार रहने वाले हिमाचल के छोटे से कस्बे बंजार से जंगल और खेतों के बीच बसे जीपी गांव तक पहुंचकर उसकी सुंदरता को देखना अब हर पर्यटक की पहली पसंद बनता जा रहा है। हालांकि पहले की बात करें तो यहाँ गिने चुने ही घर थे, लेकिन आज पर्यटन ने यहाँ के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने जमाने के दौरान जिब्बी गांव में ब्रिटिश रूट केबल मिट्टी और पत्थर से बना हुआ था और से शिमला तक पहला यह ओल्ड ब्रिटिश रूट आज एक शानदार ट्रैकिंग एवं बाइक रूट बन चुका है। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने हर 16 किलोमीटर पर आलिशान गेस्ट हाउस बनवाए, जिनके अवशेष आज भी बीते दिनों की याद ताजा कर देते हैं। यहाँ आसमान को चूमते घने देवदार वृक्ष, पहाड़ी पक्षियों के मनमोहक सुर, पत्तों से छन छन कर जमीन पर गिरती कोमल धूप और महकते हुए रंगीन जंगली फूल इस घने जंगल में खुशनुमा वातावरण का निर्माण करते हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए यह नेशनल पार्क किसी स्वर्ग लोक से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पहाड़ी पक्षियों की लगभग 181 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन है तो भी जीबी गांव आपको हिमालय नेशनल पार्क तक ट्रैकिंग करने और यहाँ के इको जोन में स्थित गांव में रहने की अनुमति लेकर अपना शौक पूरा कर सकते हैं। रंगथर टॉप, रोला जलप्रपात और शील्डहट ट्रैक इस पार्क के कुछ उम्दा ट्रैक्स हैं। बंजार टाउन के पास गुशैणी, सैन तथा पेरखी जैसे गांव से आपको ट्रैकिंग के लिए गाइड भी मिल जाएंगे। फलों के बगीचे और जंगल के बीच में स्थित पहाड़ी घरों से होते हुए जीबी जलप्रपात तक पहुँचने का रास्ता गुजरता है। मिट्टी और पत्थरों से बने इस रास्ते पर चलने के लिए अच्छी ग्रिप वाले जूते पहनकर जाना चाहिए। इस जलप्रपात के धुआंधार बहते जल को सतरंगी आभा देते हुए दो इंद्रधनुष सृजित होते हैं। सुनहरी सुबह में सूर्य की कोमल किरणों से बने इंद्रधनुषों की यह जोड़ी यहाँ आने वाले पर्यटकों को उल्लास से भर देती है। जीपी गांव की सैर के दौरान इस कुदरती करिश्मे का आनंद लेने हजारों सैलानी आते हैं। इस घाटी के कुछ गांव तक केवल ट्रैकिंग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर आप बाइक और गाड़ी लेकर भी तीर्थन के कुछ बेहद सुंदर गांव में कैंपिंग का स्थान या गेस्ट हाउस ढूंढ सकते हैं। जीपी गांव में कैंपिंग अलग तरह का आनंद देती है। 5-स्टार होटल को छोड़कर यहां टेंट में रहने का रोमांच किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है। जीपी और शोजा में अनगिनत कैंप साइट्स हैं। स्थानीय लोगों ने भी अपने घरों के दरवाजे पहाड़ी जीवन शैली का अनुभव लेने और कैंपिंग के लिए या यात्रियों के स्वागत में खोल रखे हैं। यह होम स्टे एक तरह से पहाड़ी परिवारों से मिलने जुलने और उनकी संस्कृति को समझने का भी मौका देता है। साथ ही यहां आपको स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी आपके सफर को और सुहाना बना देगा। वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि बंजार घाटी का जीबी गांव ऐसा पर्यटक स्थल है जो पर्यटकों को काफी भा रहा है। उनकी माने तो प्रशासन और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि पर्यटकों को सुविधा मिल सके और पर्यटकों के आने से व्यापारियों को भी फायदा मिले। वहीं उपमंडल बंजार की जीबी खड ट्राउट आखेट के लिए जानी जाती है, इसलिए काफी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं।